और uh, सुभाष इस वक्त रियली इम वर्ल्ड है ना बट अच्छा yes, लगता है ना जब हम मेहनत करते हैं उस वक्त इतना अच्छा नहीं लगता ऐसा तो लगता है हम क्यों <laughs> कर रहे हैं ये क्यों करना है या इतना क्यों पढ़ना है मगर uh, अब मुझे ये बताओ जब आप रेट्रोस्पेक्ट में देखते हो इजेंट इट वर्थ इट यस मैम टोटली वर्थ इट जब लगता है ना कई बार ऐसा लगता है कि यार क्यों यार छोड़ना एक दिन इधर घूम लेते हैं चल चिल मारते नहीं एक दो घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं ना क्या पता इधर से क्वेश्चन आ जाए <laughs> मेन तो ये होता था जो चीज याद नहीं हो रही तो न, पे लिख देता था कि हाँ, ये चीज तो आएगी आएगी ओ, याद रखना कि दोबारा पढ़ो तो पढ़ना ही बहुत अच्छी बात है कि अपने लिए थोड़े थोड़े ना लैंडमार्क्स बनाने होते हैं कि ये मेरे को याद नहीं रहता या ये वीक है ताकि आप वापस उन चीजों पर जा पाओ है ना yes, और अच्छा सुभाष मुझे ये बताओ कि आ, हमने इंश्योर किया था कि क्लास लगाने के साथ-साथ आप एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करो टेस्ट जरूर दो no. आ, क्या लगता है कि उसका फायदा भी मिला है यस yes, मैम पूरा टोटली कि हाँ टेस्ट देना है रोज फिफ्टी क्वेश्चन जैसे मनीष सर ने कहा था कि मेरे को फिफ्टी क्वेश्चन के रोज करने हैं और मेरे को भेजना है कि आज मैंने अपना Work done किया है पूरा वर्क डन हुआ है मेरा आज के पचास क्वेश्चन किए किए फिर धीरे धीरे पे चलते गए फिर 150 easily होते गए और क्वेश्चन तुम। कमी नहीं होगी बैस नीट पीजी गुड अच्छा और सुभाष मुझे ये बताओ कि सी बी टी भी दिया था हमने यस yes, मैम काफी अच्छे मार्क्स रहे फर्स्ट में थोड़े कम रहे में पर अच्छा है ना उससे आपको पहले yes. पता लगा कि कहाँ काम करना है और उसके बाद जब दिया तो कॉन्फिडेंस आया होगा है ना यस मैम ओब्वियसली और ऐसा लगा पेपर दे रहे थे रहा लगा सीबीटी दे रहे एक्चुअली क्योंकि सीबीटी में सीबीटी जैसा ही होता है बस थोड़ा कि यहाँ थोड़ा थकान ज्यादा होती है पेपर में कि इधर वो लंबा चेकिंग थोड़ा तो पे डर ना लगे क्यूँकी जैसे मैं पूछना चाहूंगी आपसे भी सुभाष की पेपर वन के बाद तो आई थिंक सब थोड़े अपबीट थे बट पेपर टू में बहुत सारे बच्चे घबरा भी गए क्यूँकी वो ट्विस्टेड

Easily, मैंने क्वेश्चन फर्स्ट 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 क्लियर में सेकंड पेपर के पे डाल थे ट्वीट क्वेश्चन ऊपर से गए थे वो तो फिर तुक्के मारने थे मेरे को अपने हिसाब से नहीं बहुत जरूरी है क्योंकि आप शुरू से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे थे सुपरफिशियली नहीं बल्कि में जा रहे थे, थे इसीलिए हम वहां तक पहुंच पाए है ना yes, मुझे ये बताओ सुभाष एंड में डीएफएक्स के थ्रू जो हमने रिवीजन करी ध्यान कुछ -कुछ तो कर दिया की हाँ, जल्दी जल्दी से करना और क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन मिलनी चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो डी एफ एक्स आप ऑप्शन का इन हो डी एफ ही पढ़ी है लास्ट के एक महीने में जब लगता था कि हाँ, हाँ यार ये टॉपिक छूट रहा है तब जाता था मैं मेन नोट्स पे बिल्कुल और कुछ और बताना चाहोगे कि अगर कोई आपसे पूछे कि अगर अब मैं अगले एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो कैसे शुरुआत करनी चाहिए कैसे आगे बढ़ना चाहिए बस ट्रस्ट करो फैकल्टीज पे जो बोल रहे हैं वो करते जाओ और रोज अपना जो पढ़ाया जैसे मैं एक बार कहीं पार्टी में चला गया तो बारह बजे एक बजे आ रहा हूँ तो मेरे को ये था कि मेरे को अपना जो पढ़ाया है ना आज का, वो मैं पढ़ के सो कुछ भी हो जाएगा नहीं नहीं नहीं। छोड़ी एक भी क्लास में बारह एक बजे बार होता है ना कई बार दोस्तों के साथ टाइम दे रखा हुआ आपने आपको जाना पड़ता है कई बार तो आप आते मैं तीन चार बजे तक मेरे को ये था की मेरे को खत्म करना ही है मैं छोड़ूंगा नही इसको कुछ भी हो जाए ये क्या बहुत अच्छी क्वालिटी आपने बोली है की टू स्टेटेड आपने जो एक बार डिसीजन

आप ऐसे फ्रेंड मुश्किल से मिलते हैं जो आपको yes, हमेशा yes. मोटिवेट करें तो बहुत अच्छा लगा ये मुझे सुनकर है ना और कुछ बताना चाहोगे अपनी तरफ yes. से कोई टिप्स कोई स्ट्रेटेजी या कुछ भी जो शेयर करना चाहोगे ये कि बस ट्रिक्स के साथ याद करो रटो मत रटोगे दस दस दिन बाद में भूल जाओगे लास्ट दिन होएगा तो यार ये रटा था भूल गया टिप्स के साथ याद करो उनको अपने ट्रिक्स बना लो कि की ऐसे ऐसे मैंने याद किया उसको बार बार देखते रहो वो बहुत अच्छे से याद होगा अगर आपने रटा है ना वो भूल जाओगे मैं भूल जाता जा था मेरे को कई बार लगता था पी एस एम में भूल गया मैं तो फिर पता था यार अपने हिसाब से ट्रिक्स बना और फिर याद कर इजिली हो जाएगा वो पी एस एम में क्योंकि याद नहीं होती कुछ चीजें याद नहीं होती याद करने के लिए बनी नहीं होती वो आपको बस रटना पड़ेगा वो रटो अपने हिसाब से रटो कि अपने रेगुलरली जो चीज कर रहे हैं उसमें आते रहे वो उस टाइप से होना चाहिए नहीं बाद में रटोगे तो वो भूल जाओगे कोई ट्रिक्स लगा के करो और तो मेरे सर से मिला था मैं एक एक टाइम पे मैं 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 बताना से से मिला था था जब हाँ। बीच में सर सर ने बोला था कि आओ से बात तो मैं, मैं, मेरे बात करो तो तो फ्रेंड्स गए थे को भी आपने अपॉचुनिटी दी हम उसको बहुत वैल्यू करते है आपने हम पे ट्रस्ट किया प्रोसेस पे ट्रस्ट किया हम अपने स्टूडेंट से बस यही कहते हैं कि ट्रस्ट करो